चलिए लगी शर्त, मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको गलत साबित कर दूंगा। रचना मुझसे अपने प्यार का इजहार कर देगी। रचना, तुम्हारे प्रेम पत्र का जवाब मैं आज दे रहा हूं। बैड मैनर्स। किसी का लव लेटर पढ़ना बैड मैनर्स होता है ना कभी? नहीं, मैं पढ़ नहीं रहा था। मैं इस घर की फोटो नीचे गिर गई थी, उसे उठा के रख रहा था। नेवर माइंड, अगर आपने लेटर पढ़ भी लिया तो कोई बात नहीं, अच्छा किया। वैसे कैसा लगा लेटर? अरे, इंप्रूव करने के लिए कुछ नए आइडियाज बताइए ना। क्या है ना कि मैं आपकी तरह क्रिएटिव नहीं। मिस गर्ग ने आपको लेटर लिखा था? क्यों नहीं लिख सकती क्या? नहीं, मैं एक्चुअली मिस गर्ग काफी दिनों से मेरे साथ काम कर रही है, लेकिन कभी मैंने उसके मुंह से आपके बारे में कुछ सुना। यही तो मिस्टर त्रिपाठी, एक्चुअली क्या है ना, लड़कियों के मन में क्या चल रहा होता है ये हम कभी नहीं जान सकते, इम्पॉसिबल है। एनीवे, ये लेटर उस तक पहुंच तो जाने दीजिए, तब शायद आपको उसका प्यार मेरे लिए जाहिर होने लगे और फिर सारी गलत फहमियां दूर। एक सेकेंड, मैं आपको एक बात के लिए थैंक यू करना चाहता हूं। किस बात के लिए? रचना से नाराज होने के लिए। मुझे पता नहीं कि आपने उस दिन रचना के साथ ऐसे बिहेव क्यों किया, बट तभी से मेरे और रचना के बीच में प्यार का माहौल बना। जब मैं उसे शांत करवा रहा था, तब मेरे और रचना के बीच का पुराना प्यार जागने लगा। मिस गर्ग, अगर तुम्हारा काम में मन नहीं लगता है तो मुझे साफ साफ बता दो, क्योंकि मेरे साथ काम करने वालों की कमी नहीं है। अब आप मुझे एक्सक्यूज करें ताकि मैं अपना पहला लव लेटर तो पूरा कर सकूं। अपनी मन की तसल्ली करनी है ना तुम्हें, कर लो ये शुद्धिकरण। ये लीजिए, ये मेरी पत्नी की फोटो। मैं सब सच बताकर ही रहूंगी आज।